दोस्तों टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए असम पुलिस से 1200 प्लस वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों बहुत बढ़िया मौका जो है वो 10वीं पास, 12वीं पास और ITI कैंडिडेट्स के लिए आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं जमा करनी है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब ये वैकेंसीज आ रही हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहां पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज वैकेंसी डिटेल्स, मतलब ये जो स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम वैकेंसीज लेकर आया है किस किस ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन, जी हां APRO में जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। APRO लेकर आया है कांस्टेबल ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन के 802 वैकेंसीज, तो ये बहुत बड़ा क्वांटम जो है वो कांस्टेबल ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन का आ चुका है APRO में। कांस्टेबल ऑफ पुलिस UB की 3 वैकेंसीज, मैसेंजर की 7 और कांस्टेबल ऑफ पुलिस कारपेंटर की 1 वैकेंसी जो है वो आ चुकी है APRO में। आगे बढ़ते हैं और अगली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जी हाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज FNDS में जो वैकेंसीज आई हैं उन पे नजर डालते हैं। FNDS लेकर आया सब ऑफिसर की 3 वैकेंसीज, फायरमैन के 410 वैकेंसीज, तो ये बहुत बड़ा क्वांटम दोस्तों फायरमैन का आ रहा है। इमरजेंसी रेस्क्यूअर के 57 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इधर मैं आपको एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से नजर डालते हैं सबसे पहले एज लिमिट के ऊपर कि आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए अगर आप इन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए जो लोग सब ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र जो है वो 20-24 इयर्स के बीच होनी चाहिए। और इधर मैंने डेट्स दे रखी हैं कि आपका बर्थ कौन सी डेट्स के बीच होना चाहिए। और जो लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कांस्टेबल इन APRO एंड फायरमैन इन इमरजेंसी रेस्क्यूअर इन FNDS, उनकी उम्र 18-25 इयर्स के बीच होनी चाहिए। और इधर भी डेट्स दे रखी हैं कि आपका बर्थ कब कब हुआ होना चाहिए, कौन सी डेट्स के बीच में। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मैंने हर पोस्ट की जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कलेक्ट की है, तो अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आ रही हैं APRO में, उन पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए कांस्टेबल ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपने 10+2 की हो साइंस में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। और जो लोग कांस्टेबल ऑफ पुलिस UB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने HS और क्लास 12th पास किया हो। कांस्टेबल ऑफ पुलिस मैसेंजर के लिए आपने HSLC पास्ड और इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और ध्यान रहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इन LMV एंड MMV। और जो लोग कांस्टेबल ऑफ पुलिस कारपेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने SSLC पास और उसके साथ साथ आपके पास ITI का कोर्स होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से आ रही है वैकेंसीज उनके लिए क्या रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए दोस्तों सब ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपने 12th पास की हो और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और ध्यान रहे किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। और जो लोग फायरमैन एंड इमरजेंसी रेस्क्यूअर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने 12वीं पास की हो साइंस स्ट्रीम में। तो ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। देखिए अभी मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, हाइट मिनिमम कैटेगरी वाइज है जनरल OBC MOBC SC की 162.56। तो आप इधर चेस्ट भी देख सकते हैं ओनली फॉर मेन की नॉर्मल कितनी होनी चाहिए और एक्सपेंडेड कितनी होनी चाहिए। तो आप इधर 2 मिनट वीडियो पॉज करके डिटेल में फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। यदि आप इन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, स्क्विंट इन आईज, अनसाउंड माइंड, स्टेमरिंग, स्किन डिजीज, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आपका हाई कलर विजन होना चाहिए। तो आप इधर पढ़ लीजिए ध्यान से कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और आपको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज सच एज डायबिटीज, हर्निया, पाइल्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेज, ये सब आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपका डिस्टेंट विजन जो है वो 6x6 फॉर एटलीस्ट 1 आई, नॉट पुअरर देन 6x9 फॉर द अदर विदाउट करेक्शन, नियर विजन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो ये तो हुई मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पे स्केल की, कितना वेतन जो है ये SLPRB मतलब स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम जो है अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशंस में देगा। देखिए यहाँ जो सैलरी रहेगी वो 14,000 से 49,000 रहेगी और ग्रेड पे उसके साथ रहेगा, पर ध्यान रहे हर पोस्ट के लिए जो ग्रेड पे अलग है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो dailynaukri.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा स्टेप्स जो है इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में फॉलो किए जाएंगे, बट घबराइए मत,
मैंने सारे स्टेप्स आपके लिए कलेक्ट कर लिए हैं और मैं आपको डिटेल में इस भर्ती की प्रक्रिया बताती हूँ। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो कि वेरीफाई होंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से dailynaukri.com पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उधर जाके आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद दोस्तों मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट भी होगा। इसका भी सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस, ये सब टॉपिक रहेंगे। डिटेल देखने के लिए आप dailynaukri.com वेबसाइट पे जाएं। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पेशल स्किल्स। यदि आपके पास कोई एनसीसी, एबीसी कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स को भी जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और उनके लिए भी इधर मार्क्स रखे गए हैं। तो ये तो डिटेल में सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि क्या एप्लीकेशन फी भरनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, यहाँ पे बहुत सुनहरा मौका जो है वो लेकर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अब जिस भी कैटेगरी से आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं भरना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कहीं कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो जाए। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो 25 फरवरी से 15 मार्च 2020 है। मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव होगा वो 25 फरवरी को होगा। और अगर आप लिंक ढूंढ रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए dailynaukri.com के लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपने आवेदन भेजने। अगर आप किसी भी अन्य मोड से, जैसे 25 फरवरी को इसका लिंक एक्टिव होता है, अगर आप उसके बाद किसी अन्य मोड से आवेदन भेजोगे तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम से आ रही, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे एपीआरओ एंड फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज से आ रही वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन से dailynaukri.com के लिंक पे जाएं। वहां पे जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।